गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 9th क्लास की फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था बल तथा गति के नियम, तो इसका मैंने कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा यानी गति के नियम। ठीक है, दूसरा पार्ट हम पिछली क्लास में शुरू कर दिए थे उसका, यानी गति के नियम। हमने बताया था कि गति के तीन नियम हैं, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन के जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उसके बारे में। तो न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। तो यहां से हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो उसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन का जो गति विषय प्रथम नियम है, तो इस नियम के अनुसार यानी जो हमारा पहला नियम था, यानी न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, यानी यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में यानी यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में, एक समान सरल रेखा में, एक समान गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है ठीक है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो इस तरीके से, यानी यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है, ठीक है, तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यह नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। या इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। या गैलीलियो का नियम कहलाता है।
गैलीलियो का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किए, यानी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति विषय पहला नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला नियम था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले नियम में ही क्या होता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे व्यवहारिक उदाहरण हैं, ठीक है। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम के व्यवहारिक उदाहरण आपको नोट नहीं करना, आप समझते चलिए, ठीक है। व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं, यानी ये कहां कहां पर हमारा लागू होता है व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है। इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है। व्यवहारिक उदाहरण इसके कैसे क्या क्या हैं, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक तब तक उसी अवस्था में बनी रहती है, ठीक है भैया। हमने क्या कहा कि मेज पर रखी हुई पुस्तक, ठीक है, तब तक उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये क्वेश्चन जैसे एक नंबर में आ जाता है कभी कभी बहुविकल्पी में कि मेज पर रखी हुई पुस्तक ये किस नियम पर आधारित है, तो हम कह देंगे इसमें न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, समझ में आ रहा। जैसे हमने कहा कि मेज पर रखी हुई पुस्तक तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसकी बाहरी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये पहला और बेस्ट एग्जांपल रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि धरती पर गति करती हुई कोई गेंद, ठीक है, यानी जो हमारा पृथ्वी है इस पर गति करती हुई, यानी इस पर गति करती हुई कोई गेंद गतिमान अवस्था में रहती है, इस पर गति करती हुई गेंद गतिमान अवस्था में रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। यानी अगर कोई गेंद हमारी गति की अवस्था में जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या होता है, वो गति की अवस्था में ही रहती है, ठीक है। और जैसे हम इसके एक नोट में बोलेंगे, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में क्या होता है, जब कोई वस्तु जमीन पर गति करती है, जब कोई वस्तु जमीन पर, यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर, ऐसे पृथ्वी तल पर गति करती है तो वह घर्षण के कारण विरामावस्था में आ जाती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर, यानी धरती तल पर, ठीक है, जमीन पर गति करती है तो पृथ्वी के घर्षण के कारण वो वस्तु धीरे धीरे क्या होती है, विरामावस्था में आ जाती है। यह अवस्था वस्तु की क्या होता है, यह वह वस्तु की गति करती रहे, यानी क्या होता है, अन्यथा वस्तु गति करती रहेगी, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर गति करती है, ठीक है, तो पृथ्वी के घर्षण के कारण वो वस्तु विरामावस्था में धीरे धीरे आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वस्तु क्या होगी, धीरे हमेशा ही गति करती रहती है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, ये हमारा पहला नियम हो गया। इस नियम के हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है, यही आपको बेसिक थी इसका, ये हमारा इसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया, यही आपको वहाँ पर नोट करना है, ठीक है, यही आपको नोट करना, इसी के बारे में आप जानिए। इसके बाद आता है हमारा जड़त्व तथा द्रव्यमान, ठीक है, जड़त्व तथा द्रव्यमान, यानी हम यहाँ पर मास की बात करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान की बात करेंगे और जड़त्व की बात करेंगे। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और वो उसी अवस्था में रहे, क्या कहेंगे, जड़त्व कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा, जड़त्व तथा द्रव्यमान। देखिए, जड़त्व तथा
द्रव्यमान। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में, जो यानी किसी वस्तु का वह गुण जो ठीक है, जो गति की अवस्था में, जो गति की, जो गति की अवस्था में क्या होता है, जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है ठीक है, जड़ कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण, यानी उसका ऐसा प्रॉपर्टी, किसी वस्तु का वह गुण जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी उसके परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे यानी कोई वस्तु गति की अवस्था में जा रही है, उसको रोकने का प्रयास करता है या उसमें मंदन पैदा करने का प्रयास करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम उसी दिशा में समान वेग से गति करती रहेगी ठीक है। यानी हम कहें कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि किसी दिशा में एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी दिशा में समान वेग से गति करती रहती है ठीक है, या समान दिशा में समान वेग से गति करती रहेगी। और किसी वस्तु का जड़त्व तो उस वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है ठीक है, यानी उसमें नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल गुण होता है, यानी प्राकृतिक गुण होता है ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि जड़त्व, हमने बताया कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का जड़त्व किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ठीक है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यदि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगर उसका मास अधिक है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी जो हमारा जड़त्व होता है वो द्रव्यमान की माप होता है रियल में ठीक है। हम कह सकते हैं जड़त्व, यहाँ पर जड़त्व के प्रकार यानी टाइप ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व के प्रकार, तो जड़त्व के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जड़त्व के प्रकार ठीक है, यह दो प्रकार के हैं, यह दो प्रकार के हैं ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला विराम का जड़त्व, पहला विराम का जड़त्व,
विराम का जड़त्व, ठीक है, और हमारा सेकंड होता है गति का जड़त्व, यानी गति का जड़त्व। यानी विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब देखिए विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम मतलब रेस्ट, ठीक है, यानी रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, विराम मतलब ने कहा कि रेस्ट, तो रेस्ट में जड़त्व का मान क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तब भी समझ लीजिएगा। कह रहे यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो या तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यानी हमारा विराम, विराम का मतलब है एक जगह पर, यानी रेस्ट, ठीक है, जैसे विराम का जड़त्व है, कह रहा है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वस्तु सदैव क्या होगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस अवस्था में परिवर्तन किए बिना कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यानी उसने कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, हमेशा और हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर देगा तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा वहां पर, ठीक है, इस तरीके से हमारा विराम का जड़त्व हो जाएगा। और अब बात करते हैं गति का जड़त्व, ठीक है, मोशन ऑफ रेस्ट। गति का जड़त्व क्या होता है, यानी जो गति का जड़त्व क्या होगा, ठीक है, यानी मोशन ऑफ इनर्शिया जड़त्व या गति का जड़त्व। अब यहाँ पर हमने कहा पहले वाले में कि यदि कोई विराम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था वो सदैव स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसा जैसे ही कोई बाह्य बल उस पर कार्य कर देगा वो वस्तु हमारे न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम वहां पर लागू हो जाता है। अब हम बात करते थे गति का जड़त्व, तो यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से, वस्तु एक नियत चाल से, नियत चाल से एक समान, यानी देखिए जब कोई, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से, ठीक है, एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है, सरल रेखा में गतिमान है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक नियत, यानी एक सीमित चाल से एक सरल रेखा में अगर गतिमान है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल आरोपित करना होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक नियत चाल से, ठीक है, एक नियत चाल से एक सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लिया कोई भी वस्तु है, ठीक है, और गति की अवस्था में है, तो वह वस्तु हमेशा गति करती रहेगी, हमेशा गति करती रहेगी जब तक कि उस पर भी कोई एक विपरीत बल नहीं लगाया जाएगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यानी वो वस्तु क्या होगी, जैसे मान लिया हमारा एक पंखा है, फैन चल रहा, वो पंखा तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर एक बाह्य बल, या तो उसका स्विच ऑन कर दिया जाए या सामूहिक रूप से है तो उसको जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक वो क्या होगा, चलता रहेगा। यानी गति का जड़ तुम्हारा कहलाएगा। यानी इसकी कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से तरल रेखा में गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेगी, तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर भी कोई एक विपरीत बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई विपरीत बल नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गति का जड़त्व भी यहाँ से कंप्लीट होता है। और दैनिक जीवन में हम आपको जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण भी बताएंगे।
ठीक है, यानी हमारे दैनिक जीवन में घटने वाले घटनाओं से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको हम देने जा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि हमने दैनिक जीवन में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे साथ घटते रहते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ घटते रहते हैं पर वास्तव में मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद में हम अगले पार्ट की बात करेंगे। तो बात करेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे क्या होता है कि बस अथवा कार की विरामावस्था से गति, यानी बस अथवा कार की विरामावस्था से गति, यानी जब कोई बस और कार एक जगह पर स्थिर अवस्था में खड़ी है, ठीक है, और आप उसमें सवारी कर रहे हैं, आप अगर उसमें बैठे हैं, समझ रहे ना, आप कभी ट्रेन और बस में बैठे होंगे और वो ट्रेन रुकी होगी, और जैसे ही विरामावस्था से गति की अवस्था में होती है, यानी जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से छूटती है, जैसे ही कार हमारी आगे की ओर बढ़ती है, तो क्या होता है कि हम बोलिए, कभी आपने एहसास किया है ऐसा? हाँ, मान लिया आप जैसे ट्रेन और बस में बैठे होते हैं, ठीक है, मान लिया आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, आप ऐसा हुआ अकस्मात क्या मूंगफली खा रहे थे वहां पर, ठीक है, आप मूंगफली खा रहे थे या समोसा खा रहे थे, ट्रेन में बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वहां पर जैसे ट्रेन रुकी, रुकने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है तो तुम्हारी मूंगफली और समोसे क्या होते हैं, दूसरे खाने लगते हैं, है ना, एकदम से ऐसे झटका जैसा लगता है। कुछ याद आया? आप कार में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, कोई भी अगर वस्तु गति कर रही है, अगर आप उसमें हैं, तो वस्तु आप उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकने का प्रयास करता है, आगे की ओर झुक जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, यानी जड़त्व के उदाहरण है यानी हमारे, ठीक है। तो यानी उसमें बैठे सभी यात्री क्या होता है, पीछे की ओर ऐसे गतिमान हो जाते हैं, जैसे ट्रेन चलती, जैसे ट्रेन ऐसे होती है, चलती है, ट्रेन चली गई तो एकदम पीछे की ओर जाएंगे हम, जैसे आप बाइक पे बैठेंगे, बाइक वाला जैसे ही बाइक चलाता है तो आप देखो, आभास करिए, जैसे ही बाइक चलाता है, बाइक पे आप पीछे बैठे हैं, बाइक जैसे ही चलती है तो आप पीछे की ओर एकदम झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, जैसे हम बस अथवा कार का गतिमान अवस्था से अचानक रुकना, जैसे बस या कार या ट्रेन, तीनों एग्जाम्पल हमारे सेम रहेंगे, जैसे हम उसमें यात्रा कर रहे हैं और अचानक मान लिया ड्राइवर को ब्रेक लगाना हुआ, ठीक है, अचानक ड्राइवर को ब्रेक लगाना हुआ, तो क्या होता है, आप एकदम आगे की ओर झुक जाते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आपके मूंगफली क्या होता है, दूसरे उठा के खाने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहां पर। जैसे आप बाइक पे बैठे हो, ड्राइवर अगर अचानक ब्रेक मारता है तो आप आगे वाले चलाने वाले ड्राइवर के साथ ऐसे क्या होते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है, पता चले तुम्हारा सर उसके हेलमेट से जाके टकरा जाता है ना, ये क्या है, जड़त्व है, यानी गति के जड़त्व के एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब तक आप इनको फील किया होगा, बाकी इसके बारे में आपने जाना नहीं होगा कि वास्तव में ये क्या है, ये क्या है, गति के जड़त्व है, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर कोई वस्तु गति से विरामावस्था में जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में जाते हैं तो पीछे की ओर आप एकदम अचानक से झुक जाते हैं, और ये आगे और पीछे यानी ऐसे जाने की जो घटनाएं होती हैं हमारे क्या कहलाती हैं, जड़त्व के नियम से संबंधित हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि कंबल को तेजी से फटकारने पर, ठीक है, कंबल को तेजी से झाड़ने पर उसमें से जो धूल के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कभी आपने कंबल को देखिए इस तरीके से आप उसको झाड़िएगा तो धूल के कण क्या होते हैं, तेजी से झाड़ने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं वहां से, ठीक है। इस तरीके से पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना, यानी देखिए जब पेड़ की शाखा को बहुत तेजी से हिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पेड़ और पत्तियों का, पेड़ यानी उसमें जो हमारे फल होते हैं, फल और पत्तियां वहां से झड़ जाती हैं। जब पेड़ की शाखा को क्या होता है, जोर से हिलाया जाता है, जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाया जाता है तो जड़त्व के कारण पत्तियां तथा फल अपने स्थान पर ही रहता है, यानी पत्तियां व फल अपने स्थान पर ही रहना चाहते हैं,
और नीचे क्या होता है, अपने स्थान पर ही रहना चाहते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। यानी पेड़ और पत्ती अपने स्थान ही पर रहते हैं पर क्या होता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, कांच की खिड़की। कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली द्वारा छोटा छिद्र बनना। जैसे कांच की खिड़की होती है तो उस पर अगर हम किसी गन या बंदूक के द्वारा, ठीक है, उस पर अगर हम गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि वो गोली सिर्फ उतना ही मार्ग साफ होता है, यानी उतना ही मार्ग बनता है, छिद्र उतना बड़ा ही छिद्र होता है जितना गोली का हमारा आकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि बंदूक से दागी गोली जब अति तीव्र वेग से कांच से टकराती है, जब अति तीव्र वेग से कांच से टकराती है तो जिस छिद्र से गोली कांच से बाहर जाती है उसके समीप कांच के जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। उसके कारण यानी जो पास वाला कांच होता है वो जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं जैसे लंबी कूद से खिलाड़ी को कूदने से पहले तेज दौड़ना। जैसे लंबी कूद होती है, ठीक है, कई सारे हमारे स्पोर्ट के गेम होते हैं, वहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी होता है वो लंबी कूद यानी हाई जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप करता है, उसके लिए उसको पहले से दौड़ना पड़ता है तेजी से। तो तेजी से दौड़ने के लिए क्या होता है कि खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़कर अपने शरीर को गतिशील कर लेता है। खिलाड़ी तेज दौड़कर अपने शरीर को क्या करता है, गतिशील कर लेता है, और गतिशील अवस्था में जब वह कूदता है तो लंबी दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल हुए, बेसिक उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती रहती हैं। और आगे हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं रेखीय संवेग। ठीक है, इसके बाद है हमारा रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है देखते हैं। लास्ट बचा हमारा रेखीय संवेग और इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे न्यूटन के गति विषय दूसरे नियम पर। ठीक है, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, यानी हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और उसके वेलोसिटी का जो हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा यदि द्रव्यमान यानी यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु वी वेग से गतिमान है। ठीक है, यदि देखिए यहां से यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु यदि एम यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पी वेग से गतिमान है
यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु p वेग से यानी v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग तो वस्तु का संवेग क्या होगा p इक्वल टू एम वी। यानी हमें देखिए परिभाषा से ही पता चल गया था कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। यानी m हमारा द्रव्यमान होता है, v हमारा वेग होता है, इन दोनों का जो हमारा गुणनफल होगा वो वास्तव में क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है, यानी लीनियर मोमेंटम कहलाता है। और संवेग की बात करें तो संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि, ठीक है, संवेग क्या है, सदिश राशि है। अतः हम कह सकते हैं इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यानी जो संवेग होता है इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, और इसका मात्रक हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए m है, m का मात्र द्रव्यमान का मात्र किलोग्राम होता है, और वेग का मात्र मीटर पर सेकंड होता है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल था, द्रव्यमान का मात्र किलोग्राम, वेग का मात्र मीटर पर सेकंड, हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में न्यूटन के गति विषय दो तीन नियम के बारे में, ठीक है, जो कि वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है हमारे आपके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा दूसरा नियम है हमारा, ठीक है, जिसके बारे में आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।